तो गाइस आज के इस वाले हार्डकोर एपिसोड में हम बहुत सारी कमाल की चीजें करने वाले हैं, जिसमें से इलाइट्रा लाना, रेड को डिफीट करना और एक फार्म बना के लास्ट में एक ऐसी चीज करना जिससे कि हमारा हार्डकोर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो यस, इस वाले हार्डकोर एपिसोड को पूरा देखना। तो इसी के साथ चलते हैं इस वाले खतरनाक एपिसोड की तरफ। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू माइनक्राफ्ट हार्डकोर का एपिसोड लेकर। तो गाइस आज के इस वाले एपिसोड में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एंड में हूँ ना, तो शुरुआत कर लेते हैं इलाइट्रा से। तो चलो फिर अब फटाफट चलते हैं एंड सिटी और वहां से भाई लेके आते हैं इलाइट्रा, बिकॉज अब आने वाले एपिसोड्स के लिए इलाइट्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो गाइस इसी के साथ चलते हैं एंड सिटी को ढूंढने, लेकिन उससे पहले थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। मैं किसी एक एंडरमैन को ट्रिगर करने वाला हूँ। आजा बेटा, कैसे आएगा? और जैसे ही आने वाला होगा और मैं आ चुका हूँ इधर। वाओ, ब्यूटीफुल। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे आसपास कोई एंड सिटी यहाँ से दिखेगी या फिर नहीं। यहाँ पे मैं अपने चंक्स कर लेता हूँ 64 एंड अब देखता हूँ कि आसपास कोई एंड सिटी है या फिर नहीं। भाई दुख की बात ये है ना कि आसपास एक भी एंड सिटी नहीं दिखाई दी मेरे को। इन छोटे छोटे आइलैंड्स के थ्रू ही ट्रेवल करना होगा और इनका बीच का डिस्टेंस मेरे को ब्लॉक से ही कवर करना होगा। तो चलो गाइस यहाँ से यार मैं वहाँ पे एंडर पल फेंक के जाने वाला हूँ। और भाई साहब यहाँ पे ये कितना ज्यादा स्केरी मूवमेंट था, मतलब मेरा हार्डकोर वर्ल्ड दांव पे लगा हुआ था। और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे स्टंट्स तो मैं करता रहता हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वाला स्टंट अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन कॉल पे कर देना। खैर फिलहाल के लिए कोई एंडरमैन ट्रिगर हो चुका है, पता नहीं कौन सा एंडरमैन ट्रिगर हुआ है। ओ नहीं 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 नहीं, अरे 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 प्लीज छोड़ दे यार पीछा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है यार, गलती से देख लिया था सर, प्लीज माफ कर दो तुम्हारी सर, प्लीज मान जाओ प्लीज, मैं आपको मारना नहीं चाहता। अरे तेरी ऐसी की तैसी, प्यार से समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा क्या? ओह, तो फाइनली गाइस सामने की तरफ मेरे को एक एंड सिटी दिखाई दी है। और गाइस इसी के साथ एम करते हैं इस वाली वीडियो पे 5000 कमेंट्स का। तो यस आप करवा सकते हो, तो जल्द से जल्द करवा देना, और जितनी जल्दी आप 5000 कमेंट्स करवा दोगे उतनी जल्दी हार्डकोर का नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। और गाइस जैसे कि मैंने सोचा था भाई, मेरा पॉपआउट हो चुका है, यहां पे एंड सिप है ही नहीं। ओह गाइस इस वाली चेस्ट में 3 डायमंड्स एंड 4 गोल्ड, एंड इस वाली चेस्ट में है आयरन एंड गोल्ड। कितना उड़ाओगे क्या आप, छत तोड़ के बाहर भेजोगे क्या भाई मेरे को? बस करो यार भाई, गुस्सा हो गया यार तुम तो। भाई लिटरली यार मेरे को बो लेके आनी चाहिए थी यार, मैं बो क्यों ऐसे भूल गया। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से निकलता हूँ एंड यहाँ से मैं करने वाला हूँ MLG, लेट्स गो, और निकलता हूँ भाई यहाँ से। Much later. ओह तो गाइस फाइनली यहाँ पे यार मेरे को सबसे पहले एंड सिटी ही दिखी है, एंड सिप। यस तो चलो भाई फाइनली, मतलब मेरे को तो लग रहा था कि जिस वर्ल्ड में मैं आया हूँ ना इसमें एंड सिप भाई स्पोन ही नहीं हुई, एंड सिप छोड़ो भाई एंड सिटी स्पोन नहीं हुई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंडर ड्रैगन के हेड को लेने से। चलो गाइस और अब चलते हैं एंड सिप के अंदर इलाइट्रा लेने, लेट्स गो। यहाँ से लिए मैंने पोशन और ये स्टैंड भी ले लेता हूँ, और भाई फाइनली मार दिया। तो फर्स्ट चेस्ट में है गोल्ड एंड यहाँ पे भाई एक डायमंड पिकक्स जिसपे 4x3 और इफिशियंसी 4 लगा हुआ है, एंड नेक्स्ट में है इफिशियंसी 4 और अनब्रेकिंग 3। तो चलो गाइस इन दोनों को मिला के ना बहुत मस्त पिकक्स बन जाएगी अपनी डायमंड की। तो चलो गाइस फाइनली अब लेते हैं अपना इलाइट्रा जिसके लिए हमने इतनी माथा पच्ची करी है, लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं इलाइट्रा पहन के नीचे जंप करने वाला हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे मेरे पास 4 हो चुके हैं जिससे कि 2 सल्कर बॉक्सेस बन जाएंगे, फिलहाल के लिए बहुत है, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस से लेने आ जाऊंगा। चलो अब मैं यहाँ से एंडर पर्ल फेंकता हूँ, होप सो इसके अंदर चली जाए, नहीं गई, दोबारा ट्राई करते हैं, यस आ गया। और इसी के साथ फाइनली मिशन इलाइट्रा खत्म होता है और चलते हैं अपने घर। एंड गाइस अब मेरे को लगाना है इलाइट्रा पे मेंडिंग को, एंड उसके लिए मेरे को एमरेट चाहिए। और गाइस यहाँ पे मेरे को एक बो मिली है जिसपे पावर 2 और पंच 1 है। तो चलो गाइस इनसे ले लेता हूँ मैं एक मेंडिंग की बुक, और अब लगाते हैं अपने इलाइट्रा पे मेंडिंग, लेट्स गो। और मेरे को अनब्रेकिंग 3 भी चाहिए थी। तो चलो गाइस फिलहाल के लिए मेरे पास जो इलाइट्रा है उस पे सिर्फ मैंने मेंडिंग लगाई है, और साथ साथ मेरे को इलाइट्रा पे अनब्रेकिंग 3 भी लगानी है। एंड इलाइट्रा को यूज करने के लिए हमको चाहिए
बहुत सारा गन पाउडर, बिकॉज गन पाउडर से ही अपना रॉकेट बनेंगे। तो चलो फिर इसी के साथ बनाते हैं यहाँ पर सामने की तरफ पानी के अंदर एक गन पाउडर फार्म। तो सबसे पहले आइटम्स कैरी करने के लिए मैं भाई सल्कर बॉक्सेस बना लेता हूँ। गन पाउडर फार्म के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कुछ स्टोन, 2 स्टैक कोबल स्टोन बहुत होंगे। इसके बाद हमको चाहिए थोड़ी डर्ट, ये रखे मैंने ओक फेंस गेट, एंड सामने की तरफ फाइनली प्लेजर्स है। मैं सोच रहा हूँ ना कि क्यों ना एक रेड डिफीट कर ली जाए और टोटम ले लिया जाए। टोटम भाई काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलो भाई फाइट हो जाए। 4 गए, अब सिर्फ इसका लीडर बचा है और इसके लीडर को मारते के साथ ही मेरे को विलेज में जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो चलो गाइस अभी मेरे को बैड ओमेन का इफेक्ट मिल चुका है और गाइस फाइनली रेड स्टार्ट हो चुकी है। चलो भाई, और यहाँ पे अपना आयरन गोलम भी है जो कि मेरी मदद करने वाला है। आयरन गोलम सबको मार दिया और ये ले भाई हील हो जा फटाफट। तो चलो गाइस अब हम दोनों मिलके इस रेड को डिफीट करने वाले हैं। और अब लेवल 2 की रेड आ चुकी है सामने से। आयरन गोलम ब्रो तैयार हो जा, वो देख सामने कौन आ रहा है। भाई चल तुझे भर भर के आयरन खिलाऊंगा, लेट्स गो। आयरन गोलम ये तेरा सिखारे, ले जा। यस, ये लिखा। और मैं यहाँ पे भाई इतनी ऊंचाई पे आके सो के एक बार दिन करूंगा एंड देन नीचे जाऊंगा मैं। यार नहीं, आयरन गोलम मर गया। तो गाइस अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। और ये लो लावा। यस गाइस, रेवेजर को मैंने मार दिया और अब है प्लेजर्स की बारी। यस, प्लेजर्स को भी डैमेज हो रहा है। गए 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 गए, 2 बचे और भाई लावा से मैंने इन सबको मार दिया। और अब आने वाली है लेवल 3 की रेड और भाई मेरे सिर में एक तीर मार दिया इन्होंने। इस बार तो विचेस भी है। विचेस ने मार रही है, बचा रही है, शायद मार रही है। और यस, मैंने फाइनली मार दिया। और यस गाइस, ये मर रहे हैं लावा से, लेट्स गो। और गाइस रेवेजर मर गया। तो गाइस चलो अब इनको मारते हैं और इस बार मैं डर के नहीं भागने वाला। 10 seconds later. और भाई बाकी के जने कहाँ छुप के बैठे हो, इधर आओ इधर। ओ भाई, ओए मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। एक तो ये या करके आते रहते हैं, इनकी ऐसी ऐसी। आप कहाँ भाग रहे, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तेरी ऐसी की तैसी। आप कर या गया टोटम। ओ यस, एक और टोटम मिल गया। यस, एक और टोटम। और फाइनली गाइस मैंने रेड को भाई डिफीट कर दिया है और मेरे को इस रेड से मिले हैं टोटल 4 टोटम एंड बाकी का दूसरा आइटम। यस, लेकिन इसमें शायद मेरे 11 या 13 गोल्डन एप्पल थे, वो पूरे के पूरे चले गए। लेकिन फाइनली यस, मैंने डिफीट कर दिया। चलो गाइस अब ये सारे टोटम मैं अपने साथ कैरी करूंगा और भाई 1 स्टैक एमराल्ड मिल चुके हैं मेरे को इस रेड से। तो गाइस अब अगेन फोकस करते हैं अपने गन पाउडर फार्म पे। एंड गाइज इसी के साथ मिशन कंप्लीट। तो चलो गाइज इसी के साथ मैं अपने क्रीपर फार्म का काम चालू करता हूँ। और अगर आपको इस वाले फार्म का ट्यूटोरियल देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक डाल दूंगा, बिकॉज ये वाला सेम फार्म हम अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में पहले ही बना चुके हैं। तो अभी के लिए मैं फटाफट काम स्टार्ट करता हूँ। अब अगर यहाँ पे लैंड होती तो उसके थ्रू मैं वाटर फ्लो होने का सिस्टम बना देता, लेकिन अभी के लिए कोई लैंड नहीं है, वाटर है, तो यहाँ पे मेरे को खुद ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे बेस का काम तो हो चुका है, अब नेक्स्ट ऊपर का फार्म बनाने के लिए मेरे को थोड़े और कोबलस्टोन चाहिए होंगे। तो कोबलस्टोन यहाँ से मेरे को इजीली मिल जाएंगे। तो चलो गाइस फिर मैं माइनिंग फटाफट स्टार्ट करता हूँ एंड इनफ कोबलस्टोन करने के बाद मैं मिलता हूँ आपको। फाइनली गाइस यहाँ पे यार मैंने इनफ कोबलस्टोन कलेक्ट कर लिए हैं और मेरे हिसाब से इतने कोबलस्टोन में काम हो जाना चाहिए। और अगर मेरे को और जरूरत होगी तो मैं और ज्यादा कोबलस्टोन लेने आ जाऊंगा और ये तो इजीली मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसका वायरिंग का सिस्टम जिससे डिस्पेंसर वगैरह काम करेंगे और वाटर फ्लो होगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट लगा देता हूँ। तो चलो गाइस ये भाई चालू हो चुका है और अब मैं बनाता हूँ फटाफट ऊपर के लेवल।
फाइनली गाइज यहाँ पे यार अपना क्रीपर एंड गन फाउडर फार्म बनके तैयार हो चुका है, और यहाँ पे मैं स्लैब्स इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे मॉब्स स्पॉन ना हो और सारे के सारे जो क्रीपर है वो अंदर की तरफ स्पॉन हो। तो चलो गाइज यहाँ पे ये बन चुका है। अब बीच में यार पानी के अंदर मेरे को बनाना है इसका कलेक्टिंग सिस्टम, जिसके लिए मेरे को चाहिए होंगे स्पंजेस, और स्पंजेस मेरे को मिलेंगे सी मोन्यूमेंट से जो कि यार थोड़ी ही दूर है मेरे घर से, मतलब लिटरली 100 ब्लॉक दूर है। तो चलो फिर मैं फटाफट जाके स्पंजेस लेके आता हूँ। और गाइज मैं मिल्क लेना भूल गया था, तो यहाँ पे अभी मैं जाके मिल्क लेके आया हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे अपना कलेक्टिंग सिस्टम भी बन चुका है, और यहाँ पे मैं एक एएफके स्पॉट पे आ चुका हूँ जहाँ पे यार फैंटम मेरे को परेशान कर रहे हैं, बिकॉज मैं काफी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ गन पाउडर कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आप को कवर कर लेता हूँ जिससे फैंटम मेरे को और ज्यादा परेशान न कर पाए, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे एएफके खड़े होने वाला हूँ जब तक कि मेरे पास इनफ गन पाउडर नहीं होने वाला है टीएनटी के लिए। और टीएनटी से हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज। तो चलो गाइस फाइनली अपने गन पाउडर फार्म पे काफी ज्यादा देर एएफके खड़े होने के बाद हमारे पास हो चुके हैं टोटल 1 सल्कर बॉक्स गन पाउडर, एंड भाई इससे हम बनाने वाले हैं टीएनटी, और टीएनटी से हम बनाएंगे अभी के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज। खैर फिलहाल के लिए टीएनटी बनाने के लिए गन पाउडर तो है मेरे पास, नेक्स्ट चाहिए मेरे को सैंड। तो सैंड मेरे को यहाँ से बहुत सारा मिल जाएगा, और बाकी अगर मेरे को सैंड की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को इधर उधर जाना पड़ेगा, देखते हैं कि यहाँ से मेरे को इनफ सैंड मिलता है या फिर नहीं। तो गाइज यहाँ से यार मैंने ऑलमोस्ट सारा सैंड ले लिया है, और बचा हुआ सैंड मैं नहीं ले सकता बिकॉज पानी वगैरह आ रहा है, तो मैं रहने देता हूँ, मैं और कहीं से ले लूँगा। और यहाँ पे सिर्फ मेरे को इतना सैंड मिला जिससे कि सिर्फ ऑलमोस्ट 2 स्टैक टीएनटी बन पाए, मतलब 2 स्टैक भी पूरे नहीं बने। खैर मैं अब और कहीं निकलता हूँ सैंड को ढूंढने के लिए। और चलो गाइज यहाँ पे मेरे को थोड़ा और सैंड मिल चुका है, एंड इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड लेट्स गो। एंड भाई साहब ये क्या हुआ भाई, मेरी डायमंड की सोल टूट गई। खैर अब मेरे को हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलो गाइस अब मैं हाथों से फटाफट सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा ही सैंड चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक डायमंड सोल बिकॉज पिछली वाली तो यार अपनी टूट चुकी है। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पे यार मैंने टीएनटी भी क्राफ्ट कर लिए हैं, और ये टाइम है आपको बताने का कि आखिर मैं करने क्या वाला हूँ। तो देखो अभी फिलहाल के लिए मैं अपने घर के जस्ट नीचे आ चुका हूँ, एंड यहाँ से मैं माइनिंग करके जाने वाला हूँ नीचे जब तक कि मेरे को कोई केव नहीं मिल जाती, एंड देन हम वहाँ पर जाकर ब्लास्ट करने वाले हैं हमारे पास जितने ये टीएनटी है ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 5.5 स्टैक टीएनटीज। एंड ये जगह मेरे को सही लग रही है भाई टीएनटी लगाने के लिए, तो मैं ऐसा करता हूँ जितने भी मेरे पास टीएनटी है वो सारे के सारे यहाँ पे मैं लगा देता हूं। और जो चीज बनाने के मैं सोच रहा हूं ना, मतलब अगर वो हो जाता है टीएनटी लगाने के बाद तो सच में मजा आ जाएगा। तो चलो फिर अभी के लिए मैं फटाफट सारे टीएनटी सारे के सारे टीएनटी यहां पे लगा देता हूं, एंड देन इसके बाद मैं मिलता हूं आपको। और गाइज लुक एट दिस व्यू यार, मतलब क्या ही व्यू है। और ये क्रीपर भाई, क्रीपर तेरे को अभी आना था क्या? तो चलो गाइज ये चला गया, और भाई ये व्यू देखो आप, मतलब कितना ज़्यादा मिस्टीरियस लुक है ये। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ ना टीएनटी ब्लास्ट करने के बाद, उससे ये व्यू ना भाई मतलब कतई नेक्स्ट लेवल का लगने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं टीएनटी ब्लास्ट करता हूँ, एंड देखता हूँ जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो बनती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैंने बनाया फ्लिंट एंड स्टील, एंड चलो गाइज इसके साथ करते हैं टीएनटी ब्लास्ट। तो गाइज अगर आपने अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो, और गाइज अगर आप न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार क्या कर रहे हो, नीचे सब्सक्राइब कर दो बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बहुत तगड़ी चीज आने वाली है। तो फिलहाल के लिए ये जलाया मैंने टीएनटी, और भाई भागो जल्दी यहां से। और गाइस भाई क्या ही धमाका हुआ, और जैसी जगह मैं चाह रहा था ना भाई ऑलमोस्ट वैसी जगह बनी है। अब बस इसको मेरे को थोड़ा प्लेन करना होगा एंड अपना काम हो जाएगा। तो चलो गाइस ये तैयार अपना हार्डकोर का एपिसोड, और यहाँ से मैं लैपिस भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम बहुत सारी कमाल की चीजें करने वाले, तब तक के लिए वेट करना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सभी को हार्डकोर के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।